सो बहुत टाइम से मैं एक ऐसा माइक सर्च कर रही थी जो कि चार्जिंग केस के साथ आता हो एंड कम रेंज में हो, जस्ट बिकॉज मेरे पास जितने भी माइक्स हैं उसमें चार्जिंग केस नहीं है। एंड जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि 4 से 5 घंटे में उसकी बैटरी फिनिश हो जाती है एंड मुझे उसको एवरी टाइम चार्ज करना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं जब सर्च कर रही थी तो सर्च करते करते मुझे दिखा ग्रेनारो का एक वायरलेस माइक जो कि आता है चार्जिंग केस के साथ। ऐसे तो बहुत सारे माइक्स आते हैं चार्जिंग केस के साथ, डिजिटेक के भी आते हैं, बोया के भी आता है, और अगर हम बात करें तो और भी DJI महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स में रोड में जाएं उनमें भी आता है। लेकिन मैं ढूंढ रही थी एक सस्ता माइक कम बजट में जो कि मेरे काम भी पूरा हो जाए एंड मुझे कम से कम पैसे खर्चने पड़े। इसका प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगी तो वीडियो एंड तक देखना। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है एंड इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। सो अगर हम ग्रेनारो के बारे में बात करें तो इसके मैंने काफी सारी रिसर्च करी, उसके अंदर जो मॉडल नंबर आता है J13 जो मोस्ट ऑफ दी पीपल ने परचेज किया हुआ है एंड यूट्यूब पे भी जितनी वीडियोस आप देखोगे वो J13 की ही आपको मिलेंगी। लेकिन मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि न्यू मॉडल लॉन्च हो चुका है उसी का अपग्रेडेड वर्जन जिसका मॉडल नंबर है P10। तो आज हम जिस माइक की बात करेंगे उसका मॉडल नंबर है ग्रेनारो का P10। तो चलो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन बॉक्स में क्या रखा है ये तो एक मैच बॉक्स की तरह है। खोला, तिल्ली निकाली और जलाया। एनीवेज ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर मिलता है एक वारंटी कार्ड जो कि आप रजिस्टर कर सकते हो कंपनी पे, इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है तो आप कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर मिलती है एक मैनुअल, इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि आप इस वीडियो के बाद सारा कुछ जान जाओगे। साथ में हमें मिलता है मेन इसका चार्जिंग केस विद माइक्स, और इसके साथ हम लोगों को मिलती है केबल्स, नहीं एक ही केबल मिलती है यार, केबल्स नहीं मिलती आजकल, तो अडैप्टर्स भी नहीं मिलते जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बता रही थी कि कोई ब्रांड अडैप्टर नहीं देता। अरे ये तो केबल्स ही है यार, दो केबल्स हैं तो दो को तो हम केबल्स ही बोलेंगे, गुड ब्रांड ने दो ही दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों ही टाइप सी है एंड यहाँ पर ये USB है तो आप इसको किसी भी अडैप्टर में लगा के चार्ज कर सकते हो। अडैप्टर इसके साथ नहीं मिलता जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आजकल कंपनी कॉस्ट कटिंग पे है एंड बजट फ्रेंडली चीजें बना रही है कि आपकी पॉकेट को सूट करे, तो कॉस्ट कटिंग तो हो ही जाती है। तो चलो इस तामझाम को करते हैं साइड। तो अब बात कर लेते हैं इसके मेन चार्जिंग केस की। तो इसकी लुक एंड फील की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी फाइन क्वालिटी के अंदर है, क्यूट सा प्यारा सा एंड ब्लैक है तो क्लासी लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर एक सिल्वर कलर की लाइन जा रही है, फ्रंट में ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड यहाँ पर ग्रेनारो की ब्रांडिंग हुई भी है। उसी के जस्ट ऊपर सेंटर के अंदर यहाँ पर एक स्क्रीन है, स्क्रीन में आपको बाद में चला के दिखाऊंगी। नीचे इसके यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है जो कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड लेफ्ट राइट पे कुछ भी नहीं है इसका, मेन फाइन पिन। ओपन करने के बाद हम लोगों को मिलते हैं इसके अंदर दो ट्रांसमीटर्स एंड साथ में एक मिलता है रिसीवर, और ये चार्जिंग केस में और कुछ भी नहीं मिलता। इसके अंदर बैटरी लगी हुई है जिसको हमें चार्ज करना होता है, तो इसको हम कर देते हैं साइड। इसका मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो ये हमें रिसीवर मिलता है इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, हमें इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा उसी के साथ ये बैटरी लेता है एंड अपने आप ही चलता रहता है। साथ में इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं ये भी ओके है, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं हुई है ग्रेनारो की एंड ये वाला जो आता है टाइप सी के अंदर आता है। अगर आपको इसको आईफोन के साथ लाइटनिंग के साथ चलाना हो लाइटनिंग पोर्ट में तो इसके अंदर हम लोगों को एक OTG अडैप्टर मिलता है जो कि यहाँ पर लगेगा एंड लगने के बाद ये लाइटनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसको लाइटनिंग में भी चला सकते हो एंड एंड्रॉइड फोन में सी टाइप में भी चला सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इसमें OTG लगाते हैं ना तो आईफोन के अंदर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा ऑड लगता है, तो बट प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज कर सकते हो। साथ में हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमीटर्स की। जो ट्रांसमीटर्स हैं इसके अंदर दो ट्रांसमीटर्स आते हैं एंड इसके साथ अगर मैं आपको ये वाला ट्रांसमीटर दिखाऊं, इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी भी फाइन क्वालिटी है, लैवेलियर माइक्स हैं और माइक के अंदर यहाँ पर आप इसको ये लैवेलियर जो मैं आपको क्लिप बता रही हूँ इससे आप इसको क्लिप कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला माइक अभी लगाया हुआ है इस तरीके से। साथ में फ्रंट में यहाँ पर माइक में एल्युमिनियम अलॉय शेल्स लगे हुए हैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए एंड इसके अंदर विंड मफ्स हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी विंड प्रूफ नेट लगी हुई है जिसको हम आउटडोर भी टेस्ट करके देख लेंगे कि ये कामयाब है या विंड मफ्स कामयाब है। साथ ही मैं यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं जो कि मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा एंड उसी के साथ यहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको चार्जिंग केस आपके पास है आप चार्जिंग केस में इसको रखोगे और ये चार्ज हो जाएगा। मैं आपको रख के दिखाती हूँ, जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं इसको, इसका तो जरूरत है नहीं अभी फिलहाल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर स्क्रीन लगी हुई है तो जब भी हम इसको इसके अंदर डालेंगे इसके नीचे ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट दिया हुआ है जहाँ से ये चार्ज हो रहा है, अंदर चार्जर है
तो इसको जब भी ये उससे कनेक्ट होगा तो इसकी चार्जिंग हो जाएगी। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही हम इसको इसके अंदर डालेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये अब चार्ज होना शुरू हो चुका है। सेंटर में दिखा रहा है इस चार्जिंग केस की बैटरी कि वो कितनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं। एंड साथ में लेफ्ट साइड पर अभी दिखा रहा है कि लेफ्ट माइक चार्ज हो रहा है। अगर मैं इसी को अब राइट साइड पे रखूंगी तो आप देख सकते हो कि इसको आपको राइट पे दिखा रहा है। तो जब दोनों रखे होंगे तो आपको ये दोनों दिखाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको दोनों नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने लेफ्ट और राइट माइक दोनों डाल दिए। इसको ना कंपनी इंटेलिजेंट डिस्प्ले बोलती है, बिकॉज जब भी ये चार्ज हो रहे होते हैं और ये फुल चार्ज हो जाते हैं तो इसकी चार्जिंग बंद हो जाती है एंड डिस्प्ले भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम हर टाइम इसको इसके अंदर रखेंगे तो आप सोचो ये ओवरचार्ज होते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि ये डिस्प्ले बंद हो गई है क्योंकि ये वाला माइक फुल चार्ज हो गया है। ये वाला जो माइक है ये 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल माइक है। इसका मतलब है कि हम किसी भी डायरेक्शन में, इसको नीचे ऊपर लेफ्ट राइट कहीं से भी बोलेंगे तो ये हमारी आवाज को कैप्चर कर लेगा। और ये हाईली सेंसिटिव माइक है। हाईली सेंसिटिव दैट मींस कोई बारीकियों की आवाज भी अगर हम धीरे बोले तेज बोले उसको भी कैप्चर कर लेगा। एंड स्पेशली ये वाला जो ग्रेनारो का P10 वायरलेस माइक है ना, ये वाला जो माइक है ये 3 levels या 3 modes नॉइस रिडक्शन के साथ आता है। वैसे तो और भी माइक आते होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये वाला जो माइक है ये 3 level नॉइज रिडक्शन के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी माइक होता है, हम उसको 1 time प्रेस करते हैं, वो नॉइज रिडक्शन कर देता है या नॉइज कैंसिलेशन कर देता है। दैट मीन्स बाहर की आवाजें नहीं आती, सिर्फ हमारी आवाज आती है। लेकिन इसके अंदर 3 levels है, आपको जिस लेवल की नॉइज कैंसिलेशन चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसको मैं आपको वीडियो में बाद में टेस्ट करके दिखाऊंगी, अभी पूरे फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये वाला जो माइक है कंपनी कहती है 30 meters तक काम करता है, वो भी हम टेस्ट कर लेंगे ये कितनी दूर तक काम करता है। एंड इस माइक को आप आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉइड में कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप्स में कनेक्ट कर सकते हो, टैबलेट्स में कनेक्ट कर सकते हो, जिस मर्जी डिवाइस में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप चाहो, जिसमें भी आपको वॉइस को रिकॉर्ड करना है। अब और क्या लोगे यार, सब में तो कनेक्ट हो गया, और तो डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो अब मैं ग्रेनारो का माइक को कनेक्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी आवाज कैसी है। सो यहाँ पे अब आपको आवाज आ रही है मेरी ग्रेनारो के P10 वायरलेस माइक के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पावर बटन को हम 3 seconds को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये माइक ऑन हो जाएगा एंड 3 seconds प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर बैटरी सिंबल है, जब भी इसकी बैटरी लो होगी तो यहाँ पर रेड लाइट दिखेगी जो कि 20% पे आ जाएगी। एंड इसकी बैटरी जब 60% तक होगी तो इसमें येलो लाइट दिखेगी, एंड जब ये चार्ज होगा 60% एंड अबव तो इसमें ग्रीन लाइट दिखेगी। जब भी आप चार्ज करोगे तो ये कॉन्टिन्यूसली इसकी लाइट जलती रहेगी। एंड म्यूट करने के लिए आप पावर बटन को जैसे ही 2 बार दबाओगे तो ये म्यूट हो जाएगा। एंड साथ में इसका जो रिवर्बेशन, एक इसके अंदर बहुत ही अच्छा फीचर है। रिवर्बेशन फीचर वो होता है कि जो भी हम कहीं पे साउंड देते हैं, या जब भी आपने बॉलीवुड के अंदर सुना होगा कि जब भी हम आवाज़ लगाते हैं हेलो आजा, वो आजा 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 वाली साउंड नहीं आती है जो 3 बार रिपीट कर रही होती है, तो ये वो वाली साउंड है जो कि कह सकते हैं इसको एक एको साउंड प्रोड्यूस होती है, वो इसके अंदर फीचर दिया हुआ है। अगर आपको जरूरत है आप वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ उसमें। सो अब यहाँ पर ये फीचर एक्टिवेट हो चुका है, अब आपको ये रिवर्बेशन फीचर के साथ आवाज आ रही होगी जो कि एको वाली साउंड आ रही होगी। तो अब मैं आवाज लगाती हूँ हेलो, तो अब इस फीचर को बंद कर देते हैं क्योंकि ये वाली साउंड अभी हाल फिलहाल हमारी वीडियो के हिसाब से सही नहीं है। अब मेरी आवाज वापस से नॉर्मल हो चुकी है, तो चलो अब हम आउटडोर चलते हैं। आउटडोर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी नॉइस कैंसिलेशन कैसे वर्क कर रहा है और कितनी दूर तक ये माइक वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं विदाउट नॉइस कैंसिलेशन। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन का लेवल 1 स्टार्ट करती हूँ। एक बार मैंने प्रेस कर दिया और ये लेवल 1 स्टार्ट हो चुका है। आपको पता चल रहा होगा कि बाहर की किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे पीछे यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं लेकिन जो मुझे नहीं पता आपको कितनी सुनाई दे रही है। अब मैं लेवल 2 ऑन कर लेती हूँ। सो यहाँ पे लेवल 2 नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। पीछे बच्चे कुछ खेल रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं किस तरीके की आवाज़ आ रही है। अब कर लेते हैं लेवल 3। सो यहाँ पे अब लेवल 3 ऑन हो चुका है नॉइस कैंसिलेशन का, एंड पीछे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसी आवाज़ आ रही है। आई होप प्रॉपरली कैंसिल्ड आवाज़ आ रही होगी। पीछे कुछ काम भी चल रहा है, काफी लाउड काम चल रहा है, लेकिन वो भी अब आवाज आपको शायद नहीं आ रही होगी। यहाँ पे मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ कैमरे से और आप मेरी आवाज सुन सकते हो कि आपको किस क्लैरिटी से मेरी आवाज आ रही है। और ये लेवल 3 नॉइस कैंसिलेशन पे ये मैं अभी बोल रही हूँ। सो जैसे कि आपने डिफरेंस देखा कि नॉइस कैंसिलेशन के अंदर हम लोगों को किस तरीके से आवाज आ रही है, और यहाँ पर भी अब मैं दोबारा से नॉइस कैंसिलेशन में ही बात कर रही हूँ, 3rd level वाले नॉइस कैंसिलेशन में। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, जो पहले आपने वीडियो देखी
वो नॉइस कैंसिलेशन में नहीं थी, लेकिन अब वाली जो है वो प्रॉपरली नॉइस कैंसिलेशन में है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। ये मैंने परचेज किया है 2699 के अंदर, 2699, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। एंड इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर कम्प्लीट वारंटी है। कुछ भी टेक्निकल इशू होता है तो आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कुछ भी आपको और जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, सी या।